वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल, आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है एक नए उम्मीद और एक नई क्लास एक नई सुबह के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की क्लास आपके सामने। एक ऐसी क्लास जिसमें आप लोगों की खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं। आप लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ कुछ सवाल भेजे हुए थे, जिनमें भिन्न के सवाल थे जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से थे। इनमें आप लोगों को खासा परेशानी होती है। आज आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है, बस आप हमें 10 मिनट दे दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम कभी दोबारा लौट के नहीं आएगी। देखिए, ऐसी संजीवनी देने वाले हैं कि बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, 15 मिनट की क्लास होगी, कम से कम पूरा देखिएगा। देखिए, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहां पर देता हूं, 3/7 में अगर 1/9 जोड़ना है, इसे आप सभी लोग कर लेंगे। तो प्रॉब्लम आपको किस में होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये अलग टाइप के भिन्न होते हैं माइनस वाले, इनमें आपको काफी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, ये बोर्ड मास के रूल पे ही होगा, क्योंकि इसमें कोष्ठक भी लगा है, प्लस माइनस भी लगा है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको एक आसान तरीका होता है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 9 का गुणा 3 में तो 9 3 27, बीच में धन था तो धन, 7 का गुणा 1 में तो 7, और 9 का गुणा 3 में 9 7 63। इस तरह से जुड़ गया 27 3 30 4 34/63। ये किसी से कटेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे, हो गया। बट ये कैसे होता है? देखिए, इसमें यहां माइनस लगा है, बीच में प्लस है ना, तो आपने बोर्ड मास रूल में पढ़ा होगा क्या होता है। ये बोर्ड मास, पहले ब्रेकर तब ऑफ तब डिवीजन। तो सबसे पहले कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर का सामग्री जो, उसको हल करेंगे। कहां करेंगे इसको? अगर अभी तक आपने नहीं लिखा था तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1/3 और 1/7, यही तो है ना, इसको हल कर लेंगे पहले कहीं भी। तो ये हो जाएगा 7 × 7 धन, 3 × 3 और 3 7 21, इस तरह से ये हो जाएगा 10/21। और इस 10/21 को आप लाके यहां रख देंगे, -1/2, ये हो गया 10/21। समझ में आया ना? अब कोष्ठक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 10/21। बात समझ में आई? ये माइनस था तो ये माइनस हो गया। गुणा आप जानते हैं ऊपर ऊपर का होता, नीचे नीचे का, लेकिन गुणा करने के पहले इसमें अगर कट पिट रहा है तो काट देंगे। ये 2 × 5 = 10, इस तरह से देखिए, -1 का गुणा 5 में होगा तो -5, और ये 2 × 1 = 2 ना 1 का गुणा 21 में होगा 21, -5/21 इसका उत्तर हो गया। एक और सवाल देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आपके काम का है। इसको वीडियो को रोक करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। देखिए, कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल ये कैसे हैं, इसमें माइनस भी लगा है, ब्रेकेट भी है, भाग का भी चिन्ह है। अब आप लोग कहते हैं सबसे पहले भाग होता है, तो क्या आप इसका भाग करेंगे पूरे कोष्ठक में? नहीं, ये बोर्ड मास रूल कहता है सबसे पहले ब्रेकेट हल करेंगे, तब ऑफ वाला पार्ट हल करेंगे, तब डिवीजन यानी भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। देखिए, तो पहले हम कोष्ठक के अंदर की सारी सामग्री को हल करेंगे। ये -3/7 ऐसे उतार लेंगे, ये जो 5/8 है -2/7, पहले इसको हल कर लेंगे, कहीं भी कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, और 8 × 2 = 8 × 16, और 8 × 7 = 8 = 56। फिर से समझिएगा कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे, और फिर इसका इसमें बीच में जो चिन्ह होता है उसको लगा देते हैं, फिर लास्ट में नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो ये 8 × 7 = 56। घटा लीजिए इसमें से, जब आप 16 घटाएंगे तो आप जानते हैं 35 में से 15 घटाते तो 20 आता, 16 घटाएंगे तो 19 आएगा, और 19/56 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं किसी से। तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, 19/56, और फिर ये हो गया भाग 2/3। बात समझ में आ गई ना? अब क्या करेंगे, ऑफ वाला हल करेंगे, मतलब का। देखिए, इसमें कहीं का तो लगा ही नहीं है, इसमें तो है का, तो उसको छोड़ दीजिए। अगला नंबर आता भाग का, अब हम ये करेंगे, ये इतना भाग करेंगे, इससे नहीं मतलब, ये क्या है, इसको ऐसे लटका रहने दीजिए। अब पहले हम भाग करेंगे तब फिर आगे चलेंगे। देखिए, भाग का चिन्ह लगा है 19/56 भागे 2/3, इसके मध्य लगा है, तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है भाई, कर ले। देखिए, भाग में क्या करते हैं, पहला भाग वैसे उतार लेते हैं, फिर भाग का चिन्ह हटा के गुणा कर देते हैं,
और गुणा करने के बाद जो दूसरी भिन्न है उसको पलट देते हैं, सिर ऊपर पैर नीचे। बात समझ में आई? अब जो कटे पिटे काट दीजिए, नहीं तो कर लीजिए हल। ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा 56? उन्नीस? नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो गुणा कर लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? 19 दिया 57 और 56 दूना 2 8 16, हासिल है 1 2 5 10, 1 11। सही है गलत है? अरे 2 6 12 के 2 हासिल है 1 2 5 10, 1 11, 112 आएगा। कैसे आया? आप कहेंगे 56 का पहाड़ा नहीं आता, तो कैसे करें? तो आपको ये करना है, 56 गुणा 2, 2 6 12 हासिल है 1 2 5 10, 1 11। 55 में पढ़ा होगा। ये आ गया आपका कितना? -3/7 गुणा ये 57/112। बस हो गई बात पूरी। इसको काट देंगे, देखिए कटेगा ये 3 3 9 22, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। फिर से गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 3 का 57 में करेंगे तो 3 7 21 हासिल, 2 3 5 15, 2 17, ये माइनस। 7 का गुणा करेंगे 112 में, 7 9 14 हासिल 1 और 7 1 7 1 8 और 7 1 7, इस तरह से -171/784 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी से करें, देर ना करें, अभी होमवर्क भी देना है। याद रखिएगा, बिना होमवर्क करे कोई भी नहीं जाएगा, है ना? तो देखिए आगे ये क्या कहता है सवाल। ये कह रहा है कि का भी है इसमें, का ब्रेकर तो नहीं है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें सब कुछ होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहां पर का लगा होता है, ये का पे आग मंत्रा, पहले उसी भाग को हल करते हैं। मतलब ये जिसमें काका जी है ना, पहले इन्हीं को हल करते हैं। तो काका जी को यहाँ नीचे लिख के पहले हल कर लेंगे, फिर वहां जाके लिखेंगे। काका मतलब होता है गुड़ा, तो काका चिन्ह हटा के गुड़ा लगा देते हैं और ये हो गया ऐसे। गुड़ा करना बचपन से ही जानते हैं, अंश अंश का गुड़ा, हर हर का गुड़ा, 4 का 5 में गुड़ा हो जाएगा 20, नीचे बड़ी सी लाइन, 8 का 9 में हो गया 72। लेकिन ये करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ये आसान हो जाता जब आप इसको काट देते, 4 1 4 4 2 8। और ये नए मॉडर्न जमाने में आ जाता, -1/2 × 5/9। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, 5 का 1 में गुणा कर लेंगे तो -5 और 2 9 18, 5 -5/18 मतलब आएगा तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये आसान तरीका है और नियम सही है। तो -5/18 आया किसकी जगह पे? ये इतना की जगह पे -5/18 आया, जो कि मैं नीचे लाके हल किया, आपने देखा होगा, है ना? लिखना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को तुरंत रोक करके हम सामने से हट जाते हैं, वीडियो को रोक लीजिए फिर लिखिए। उसके बाद ये 3/7 है ना, क्लियर? फिर से कूड़ा कर लेंगे, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, ये 5 का कूड़ा 3 में होगा, ये हो जाएगा 15। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो जल्दी से रोक ले वीडियो तुरंत। अगर टच करेंगे स्क्रीन पे, माउस अगर चलाएंगे लैपटॉप में देख रहे हैं कंप्यूटर में, तभी रुक जाएगा, बीच में टच करेंगे, आप उतना तो जानते ही होंगे। ये हो जाएगा माइनस। अब 18 7 जानते हैं 18 का पड़ा ना, 18 6 108, 18 7 126, ये हो गया -15/126। 3 से कट जाएगा क्या ये? जी कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6, ये आएगा -5/42। इसे आप चाहे तो यही काट सकते थे, ये 3 से 18 सही है, हो गया ना? एक सवाल अभी हम आपको दिखाएंगे जो सभी पदों से सुशोभित हो, उसको देखिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, मैं लाइक करने को बोल रहा हूं ना बार बार, इसे भी तुरंत लाइक कर दीजिए बिना देर किए हुए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें है 148/2 + 9 - 3 और × 7, है ना? और फिर धन ये 2 - 1 और ये इस तरह का सवाल है ना, यहां पे का भी लिख देते हैं का। आप देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसमें बोर्ड मास रूल का सारा नियम सारा मंत्र लगेगा। कैसे?
और ये भी लगेगा बी बोर्ड मास, एक बोर्ड मास होता है एक बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास मतलब जानते हैं वर्ण कलम, जिसमें ये वाला कोष्ठक लग जाता है लंबा वाला ना, सबसे पहले इसी बीमारी को दूर करते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। तो करेंगे क्या, अगर ये रेखा कोष्ठक इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्ण कॉलम बोलते हैं, तो पहले इसी को हल करते हैं, उसके पहले जो भी दिया गया सारी कहानी वैसे उतारते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 148, ये भागे 2 प्लस ये 9 माइनस 3 का 7 धन, इसको हल कर लीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, हो गई बीमारी दूर। अब क्या करेंगे, ब्रेकट, अब ब्रेकट हल करेंगे। तो ब्रेकट में आप जानते हैं सबसे पहले छोटा ब्रेकट हल करते हैं जो कि बीच में आपको दिया गया है, हल कर लीजिए। ब्रेकट के पहले तक वैसे उतार लेंगे बिना कोई बदलाव किए, ये इसको हल करेंगे, 9 से 3 जाएगा तो 6, फिर का 7 और धन 1। अब आप क्या करेंगे, वर्ण कलम हो गया, ब्रेकट हो गया, अब आता है ओ मतलब ऑफ यानी का। अब का जो लगा है ये इन दोनों के बीच में है, का मतलब होता है गुड़ा, तो काका के पहले का वैसे उतार लेंगे वैसे जैसे का जैसे है, ये धन यहां तक यहीं पे स्टॉप, इनका पूरा करेंगे तो 6 × 7 = 42 और धन 1। इतना बात समझ में आई, आप बढ़ते चलेंगे डी मतलब डिवीजन यानी भाग। तो भाई भाग कर लो इनको, कितना आएगा 148 में जब 2 से भाग करेंगे, करके देखिएगा 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 74 आएगा, और फिर ये प्लस जी यहां आ जाएंगे और ये 1। अब केवल एक चीज बचा है जोड़ने का, सब कुछ बाकी सब चल दिए अपने अपने रास्ते, तो जोड़ लो ना भाई। प्रॉब्लम क्या है, मैं नीचे ऊपर लिख के जोड़ के दिखा देता हूँ देसी भाषा में, ये है ना क्लियर, 4 × 2 = 7 और 7 × 4 = 11, 117 इसका आंसर आ गया, कंप्लीटली 117 आंसर आया, है ना, कितना आसान ये बी बोर्ड मास का रूल। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो अपने मित्रों को भी समझाइएगा, इस क्लास को शेयर अवर जरूर करिएगा, और हम आपको कुछ होमवर्क के लिए काम भी देंगे, आप लोग उसे भी करेंगे। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात याद रखना है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, कभी दूसरे पर डिपेंड होना नहीं, अपने दिल का चैन और सुकून कभी खोना नहीं, बस एक उम्मीद बना के रखना है, क्योंकि जब आप हारने लगते हैं तो उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो कानों में आके बोलती है कि एक बार और प्रयास करिए। और बोले गए और सुने गए शब्दों में से सबसे कष्टकारी शब्द वो होता है मैं ये कर सकता था। सोचिए, आप कर सकते थे लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, आप बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जब तक आपके पास मौका है तब तक आप करिए, जिससे बाद में ये ना कहना पड़े कि मैं कर सकता था या कर सकती थी। बात समझ में आई ना, बिल्कुल नोट करिए, ये सभी आपके लिए होमवर्क है। बहुत अजीब सा सवाल है ना ये, हाँ बिल्कुल। ये सवाल इतने आप लोग करके लेके आएंगे, 5-6 सवाल, उम्मीद करते हैं आप इसको हल करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे या फिर आप कमेंट करेंगे, फिर से वीडियो में बैक आएंगे और वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे, कोई भी वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी जिससे कि आप हमें समझ सकें, हम आपको समझ सकें। और हाँ, अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दी गई है, आप आए यूट्यूब पे पूरी क्लास आपको मिलेगी। अगर आप ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर एसटीडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इसके साथ साथ अनएकेडमी पर आप हिंदी अंग्रेजी बाल विकास मनोविज्ञान पर्यावरण और के साथ साथ गणित भी लाइव पा सकते हैं, तो अनएकेडमी पर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इतना कुछ करेंगे ना तो गणित तो मुट्ठी में नहीं चुटकियों में आएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है बाबू, बहुत आसान है, मैथ की जितना आसान कुछ भी नहीं है। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से आपकी एक नई उम्मीद के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार नहीं हजार बार लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और लाइक भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।